चलिए देखिए लड़के, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें दिया है आकृति में x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड दिया है, ठीक है ना। जी एक्स वाई जोड़ेंगे जो आएगा वही डब्लू और जेड को जोड़ने पर आएगा, ये दिया हुआ है प्रश्न में ही हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। आइए बात कर लेते हैं। देखिए AOB एक रेखा है, हालांकि यहां कहता है AOB एक सरल रेखा है, सीधी ना। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए समझिए, परमान हमारे पास क्या है, परमान मतलब होता है कोई मजबूत पॉइंट जिसको जिसके माध्यम से हम इसको लेके आगे बढ़ सके ना, प्रमाण मतलब कोई मजबूत पॉइंट, कोई प्रूफ। तो देखिए अनुष्का, अगर ये पॉइंट है, ठीक है ना, केंद्र है, इसके चारों ओर जो पॉइंट के चारों ओर जो कोण बनते हैं वो सभी का जोड़ 360 डिग्री होता है। ये चीज हमें लिखेंगे, ठीक है ना, किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है बाबू। चलिए किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये हमारे पास प्रमाण है ना, अतः समझिएगा, ये लाइन समझ में आया, ये मैंने कहां से लिखा, किताब में से। आकाश बाबू कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आगे क्या करेंगे, अतः एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस 360। अब आप कहेंगे सर कहां से लिख दिए, क्यों लिख दिए, अभी हमने कहा था कि बिंदु के चारों तरफ जो कोण है उनका योग कितना होता है, यानी कि हाई कोण हाई कोण हाई कोण हाई कोण सब जोड़ के, देखिए ना कर दिया ना। अब देखिए अब एक्स वाई है देखिए एक्स प्लस वाई नॉर्मल लिख दिया, यहां कर दिया डब्लू प्लस जेड बराबर 300, फिर एक बार लिख दिया आपको समझ में आने के लिए। अब देखिए अब चूंकि यहां पे दिया है x प्लस वाई के बदले में w प्लस जेड, यानी x प्लस वाई जहां होगा वहां पे ही आप लिख सकते हैं, नहीं तो जहां पे e होगा वहां पे e आप लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस समझिएगा W प्लस जेड के बदले में हम क्या लिखे x प्लस बराबर 360। यहाँ समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा आप लोग। देखिए हम इसलिए गए हैं ताकि मुझे सिद्ध करना है कि ए ओ बी एगो रेखा है ना, तो x प्लस वाई तो जस्ट हम रख ही दिए। आप कहेंगे सर जी ये बन हो गया बात था, एगो एक्स्ट्रा लाइन है उसमें हो जाता है एक्स्ट्रा लाइन, तो एक्स्ट्रा लाइन लिखे हो तो कौन x कहेंगे कौन y कौन z कौन w या x y w z इन्होंने कैसे भी हम कह सकते हैं, इसको सीधा लिख दिया w सीधा z सीधा कर दिया, आज w प्लस z के बदले में क्या लिख दिया हो गया। अभी कोई कहेंगे कैसे हो गया भाई आपका,
किसको बराबर दिया हुआ है, दिया है ना। अब देखिए एक्स है, एक्स है दो एक्स, वाई वाई बराबर 360। हम दोनों में से दो बाहर ले सकते हैं, चार एक्स नहीं होगा बाबू, दोनों में से दो हम बाहर ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 360। एक्स प्लस वाई बराबर 360 बटा में दो, एक्स प्लस वाई बराबर 180। बात समझिएगा, जब x प्लस वाई 180 हो गया, समझिएगा, देखिए यहाँ देखिए आप, चूंकि x प्लस वाई दोनों मिल कितना हो गया 180 हो गया, तो याद है मैंने कहा हम लोग पहले सिद्ध कर देते हैं कि जब ये सरल रेखा होता है तो सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग हो गया 180 होता है, याद है। आइए आप रैखिक युग में 180 होता है जब सरल रेखा होता है, तो जब 180 आइए गया अतः AOB एक सरल रेखा है, ये साबित करना था। तो जब x प्लस वाई 180 आ गया तो साबित हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। क्या साबित करना, मीन हमको मीन साबित करना, मीन चीज हाई वाला 180, नहीं तो फिर हाई वाला 180 दोनों में से कॉमन साइन निकाला, से चेंज कर दे 180 ला दीजिए, प्रूफ हो गया। ये मैथ था, आइए नेक्स्ट मैथ। तो देखो दूसरा किताब, सामने है, सामने है, जा जा, चलिए
हो गया। देखिए एक और बात देखा जाए, बोलिए वो तो काम कुछ बताया नहीं, बोलिए। हाँ देखिए एक मैथ है, समझिए आपको हमने कल सिखाया था कि कैसी रेखा है, समांतर रेखा है ना, और ये आपके बुक का मैथ है, ठीक है ना। देखिएगा एक मिनट देता हूं,